नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। ये एजुकेशन पॉलिसी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ एजुकेशन पॉलिसी ऐसी आई थी जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए। तो ये वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि 1968 में हमारे पास जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट अनाउंस फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1968। ये एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी, जो कि उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी, उनके समय में आई थी और उनके द्वारा ये लागू की गई थी। इसमें जो भी रिकमेंडेशन दी गई थी वो 1964 टू 1966 के बीच में बनाई गई थी, और ये 1968 टू 1980 सॉरी ये 1968 टू 1986 यानी 20 ईयर तक चली थी, जिसमें कि काफ़ी कमीशन्स आए, काफ़ी एजुकेशन में चेंजेस आए। तो पहले हम इसका बेसिक सा आइडिया देख लेते हैं कि इसमें आखिर बताया क्या गया था। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप पहले देख लीजिए कि 1968 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। उसके बाद 1992 में इसे मॉडिफाई किया था पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के थ्रू। एंड नेक्स्ट जो आई थी वो हमारे पास 2005 में आई थी, जो कि गवर्नमेंट बाय मनमोहन सिंह, जो कि पीएम थे उस टाइम, आई थी। और नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसी हमारे करंट में आई थी 2016 एंड 17 में, जो कि हमारे करंट पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई थी। तो आइए इन पॉलिसीज़ को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे 1968 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अनाउंस द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1968। ये तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लिश में है, नीचे की वीडियो आपको सारी की सारी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को 1968 में अनाउंस किया था, विच कॉल्ड फॉर अ रेडिकल रिस्ट्रक्टिंग एंड इक्वलाइजिंग इक्वेशन अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन एंड ग्रेट कल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस पॉलिसी का उद्देश्य था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो कल्चर है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसमें बढ़ावा मिले। तो आइए इस वीडियो को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मेन फीचर ऑफ पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, कि इस पॉलिसी में मेन मेन फीचर्स क्या थे जो इस पॉलिसी में बताए गए थे। तो हमारे पास पहला मेन फीचर है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर। जो बच्चे 14 वर्ष से, सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। इस पॉलिसी में सबसे पहले ये बताया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा गया है एग्ज़ाम में, क्योंकि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रूवमेंट इन स्टेटस एम्प्लॉयमेंट एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द टीचर, शिक्षकों की स्थिति प्रलब्धि और क्षमता में सुधार। इसमें ये बताया गया था कि जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी कंडीशन को सुधारना है, उनकी उपलब्धियों और क्षमताओं में भी सुधार लाना है, जिससे कि वो आने वाली स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से शिक्षित कर सकें।
हमारे पास थर्ड मेन फीचर है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, हिंदी, संस्कृत एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, स्पेशली इंग्लिश शुड बी एम्फेसिस। तीन भाषा सूत्र, हिंदी, संस्कृत और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, विशेष रूप से अंग्रेजी पर जोर दिया जाना चाहिए। इन्होंने बताया कि थ्री लैंग्वेज कंपल्सरी है, लाइक हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। एंड फोर्थ मेन फीचर था इसका कि इसमें बताया गया कि इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के सभी वर्गों को समान शिक्षा के अवसर दिए जाने चाहिए। फिफ्थ मेन फीचर था इसका, सब्जेक्ट साइंस मैथ शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन टिल द एंड ऑफ द स्कूल। विषय जैसे कि विज्ञान, गणित, स्कूल के अंत तक सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग होना चाहिए कि स्कूल्स में साइंस और मैथ्स कंपल्सरी होना चाहिए। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन, इस पॉलिसी ने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया। सेवन्थ मेन फीचर है इसका, द क्वालिटी ऑफ बुक्स शुड बी इम्प्रूव्ड, पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। जो बुक्स अवेलेबल हैं वो अच्छी लैंग्वेज में हो जिससे कि बच्चों को उसे पढ़ने में इजी हो। नेक्स्ट है हमारे पास एट्थ, फैकल्टी फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एट दिस स्टेज, इस स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाएं। जो टेक्निकल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, उसकी सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए जिससे कि आगे जाने पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोजगार के लिए ज़्यादा कठिनाई ना उठानी पड़े। नेक्स्ट है इसका नाइन, अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। इन्होंने बताया कि स्कूल्स में अडल्ट एजुकेशन के बारे में भी बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। इट वुड बी एडवर्टाइज टू हैव अ ब्रॉडली यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर एज 10+2+3। अब एक क्वेश्चन आप देखोगे कि काफ़ी टाइम्स पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था कि 10+2+3 का जो रूप दिया गया है वो कौन सी एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया था, और वो है आपके पास नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968। तो इसमें यही बताया गया है कि 10+2+3 के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए। इसमें 10th जो कि स्कूल्स में होगी, +1 और +2 वो भी स्कूल्स में होगी, जिसमें कि आप अपने लिए एक अलग विषय चुनते हैं जैसे कि आर्ट्स हो गया, साइंस एंड कॉमर्स। एंड नेक्स्ट है आपके पास +3 जो कि कॉलेज में, जो कि आपको डिग्री मिलेगी या तो साइंस से रिलेटेड जैसे कि बीए हो गई, कॉमर्स में हो गया आपका, आर्ट्स हो गया, तो इसी में आपके 10+2+3 के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट फीचर है इसका, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड रिव्यू एवरी 5 ईयर द प्रोग्राम ऑफ द प्रेजेंस पॉलिसी। और इसमें यह भी बताया गया कि भारत सरकार वर्तमान नीतियों की प्रगति की हर 5 साल में समीक्षा करेगी, कि हर 5 साल में यह चेक किया जाएगा कि जो एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं, क्या वो सही तरीके से अपना काम कर रही है, कहीं उसमें कोई खामी तो नहीं या फिर उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं, तो इसमें यह बताया गया था। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फ्रॉम 1968 टू 1986 टिल द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। भारत में शिक्षा की वृद्धि 1968 से 1986 तक नई शिक्षा नीतियों के निर्माण तक, कि इस टाइम पीरियड में कौन कौन सी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज लागू की गई, कि उन्होंने उनमें क्या चेंज किए जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान निभा सके। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो सबसे पहले हमारे पास 1968
सेमिनार ऑन इंस्टीट्यूट प्लानिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय एनसीईआरटी इन भोपाल फ्रॉम 3 to 5 नवंबर 1968 में एनसीईआरटी द्वारा आयोजित संगठन नियोजन पर भोपाल में 3 से 5 बजे तक संगोष्ठी नवंबर यानी 3 to 5 नवंबर तक वहाँ पे मीटिंग हुई थी, सेमिनार हुआ था एनसीईआरटी के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास 1969 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टडी ग्रुप ऑन सुपरवाइजर एंड इंस्पेक्शन इन जुलाई 1969 हेड बाय श्री एम बी राज गोपाल। 1969 भारत सरकार ने जुलाई 1969 में सर्वेक्षण और निरीक्षण पर एक अध्ययन समूह का गठन किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसी कमेटी का निर्माण किया जो कि शिक्षा में सुपरवाइजर का काम करेगी कि शिक्षा प्रणाली सही ढंग से कार्य कर रही है कि नहीं, और इसके जो हेड थे वो थे एम बी राज गोपाल। थर्ड जो हुई थी वो 1970 में हुई थी द नेशनल सेमिनार ऑन गांधीन वैल्यू इन एजुकेशन बाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 9 to 11 February 1970 शिक्षा में गांधीवाद मूल्यों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 9 से 11 फरवरी से किया गया था। इन्होंने जो महात्मा गांधी थे उनके विचारों को भी इस एजुकेशन पॉलिसी में लागू किया था, जिसके लिए उन्होंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था जो कि फरवरी 9 to 11 तक चला और ये 1970 में हुआ था। नेक्स्ट है आपके पास 1970 में सेमिनार ऑन ओपन यूनिवर्सिटी वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली 16 to 19 December। ओपन यूनिवर्सिटी यानी जो हमारी एक्स्ट्रा एजुकेशन होती है, जो ओपन स्कूल्स होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी लाइक इग्नू हो गया आपका, उनके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था जिसमें कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ को खोलने का प्रावधान दिया गया था। एंड 1970 कमेटी ऑन स्कूल बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूटेड कि स्कूल की जो बिल्डिंग्स होगी कैसी होगी, उनके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, वो 1970 में बनाई गई थी। एंड सिक्स है प्रोफेसर वी के आर वी राव इनॉग्रेटेड द सेमिनार ऑन ओपन यूनिवर्सिटी इन 1970। ये भी पिछले वाला ही है, बट इसमें ये बताया गया कि किसने इनॉग्रेट किया था इसको, और वो थे प्रोफेसर वी के आर वी राव। एंड सेवन्थ है हमारे पास 1971 कमेटी ऑन एजुकेशन अपॉइंटेड बाई सी ए बी ई, और सी ए बी के द्वारा 1971 में भी एक कमेटी ऑर्गेनाइज की गई थी। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो दोनों लैंग्वेज में थी। इन नेक्स्ट वीडियो हम इससे रिलेटेड मेन मेन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको ये टॉपिक अधिक क्लियर होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन।